हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम हो और कचौरी दिख जाए, हर किसी का मन ललचा जाता है खाने के लिए। और ये घर पर बनकर तैयार हो और गेहूं के आटे से हर कोई इसको पसंद करके खाता है, चाहे जितना भी पेट भर खा सकता है, क्योंकि हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार की है। एकदम खस्ता कचौरी है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है और खाने में भी इतनी टेस्टी है और देखने में कितनी लाजवाब है। बच्चे तो क्या, बड़े भी इसको खूब चाव से खाते हैं। अगर ये कचौरी आपने घर पर बना ली तो आप जो मार्केट से खरीदते हैं खरीदना ही भूल जाएंगे। एकदम खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है, कहीं से भी ये कच्ची नहीं है और एकदम फूली फूली कचौरी है। आप भी इसको इतनी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई मार्केट से लाने की सामान की जरूरत नहीं होती। हम घर की पूरी इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर लेंगे तो हम ये कचौरी बनाना शुरू करते हैं। दाल की कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है, ये धुली हुई दाल है, हमें धुली हुई दाल लेनी है। उड़द की दाल है आधा कटोरी, ये भी धुली हुई दाल लेनी है। अब हम दोनों दालों को रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। दाल को मैंने भिगो दिया है और ये मैंने गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। कचौड़ी हम उसी आटे से बनाएंगे ताकि सबके लिए फायदेमंद हो, नुकसान किसी के लिए भी ना हो। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और एक कपड़ा लेंगे, चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, पर कपड़ा हमें थोड़ा बड़ा लेना है और पतला लेना है। इस बर्तन में अच्छे से लगा देंगे और नीचे से अच्छे से पकड़ लेंगे। जो आटा लिया है वो धीरे धीरे इसमें डाल देंगे, ये एकदम मैदा का जैसा हो जाएगा। अच्छे से हाथों की उंगलियों से इसको निकाल लेंगे नीचे की तरफ। जो कपड़ा है हमें नीचे की तरफ कसकर पकड़ना है ताकि हमारा आटा है जो नीचे अच्छे से छनता रहे, और जो ये ऊपर का पार्ट बचेगा इसको हम रोटियां बनाने के काम में लेंगे। ऐसे हम सारे आटे को छान लेंगे, एकदम मैदा होता है ऐसा ही आटा निकल कर बाहर आएगा, बिल्कुल मैदे के जैसे ही देखने में लगेगा। ऐसे ही हम सारे आटे को छान लेंगे। आटे को हमने छान लिया है और हमारा आटा था जो बिल्कुल मैदा बनकर निकला है। अब हम इसी से कचौड़ियाँ बनाएंगे, ये देखने में किसी मैदा से कम नहीं है। मैंने 300 ग्राम के आसपास आटा छाना है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से आटा ले सकते हैं। दाल भी हमारी भीग कर तैयार हो चुकी है, मैंने इसको रात भर के लिए भिगोया था। आप चाहे तो इसको गुनगुने पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर भी काम में ले सकते हैं। अब हम दाल को छान लेंगे, दोनों को साथ में मिक्स भी कर लेंगे। दाल को मैंने छान लिया है, अब मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन का लिया है, 3 तेज पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च, 3 लौंग, कुटा हुआ हरा सूखा धनिया और हींग। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गैस पर रखकर 1 चम्मच तेल डाल देंगे और कचौड़ी का जो मसाला होता है वो तैयार करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले बेसन डाल देंगे, खड़े मसाले नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल में बेसन के साथ भूनेंगे तो मसाले जल जाएंगे। और बेसन को हमें ऐसे भूनना है जैसे बेसन के हम लड्डू बनाते हैं। अब जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो भी धनिया को छोड़कर सारे डाल देंगे, जो धनिया कुटा हुआ लिया है वो अभी नहीं डालना है और नींद भी नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे बेसन के साथ मसालों को भी। बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छी मसाले के साथ खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जो कुटा हुआ धनिया था वो डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे स्वाद के अनुसार, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, हींग डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया का पाउडर 1 चम्मच, धनिया का पाउडर भी डालना है और धनिया कुटा हुआ भी डालना है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, नमक हम मसाले में बाद में भी ऐड कर सकते हैं बनने के बाद भी। अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो चुकी है और हमें इतने ही भूनना है। अब जो हमने दाल को छान कर रखा था वो डाल देंगे, दाल का पूरा पानी है जो हमें निकाल लेना है। दाल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे। दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, अब हम इसको चेक करेंगे, दाल में अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, वो हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दाल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, जो ये तेज पत्ते डाले थे हमें ये हटा देने हैं, इसकी हमें सिर्फ खुशबू ही चाहिए। आप चाहे तो काली मिर्च और जो लौंग डाली है उसको भी निकाल सकते हैं, पर मैं इनको नहीं निकालूंगी, तेज पत्ते ही निकालने हैं। अब हम दाल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि दाल है जो आधे घंटे में अच्छे से ठंडी हो जाएगी।
अब हम इसका डो बनाने की तैयारी करते हैं। जो हमारा आटा है उसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जो आटा लगाने में आसानी रहे। अब इसमें एक चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हमें क्रश करके डालना है ताकि अजवाइन की जो अच्छी सी खुशबू आ जाए। अजवाइन को जब भी हमेशा डालें तो क्रश करके ही डालें। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। नमक हम पहले भी मसाले में डाल चुके हैं। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ घी का मोइन डाल रही हूँ। मोइन में बताती हूँ इसमें कितना डलेगा। अब हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। मोइन इसमें परफेक्ट मात्रा में डालेंगे तभी हमारी कचौरी जो खस्ता बनेगी। मोइन डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर कचौड़ी अच्छी बनानी है तो मोइन जरूर डालें। अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। मोइन को हमें दोनों हाथों से ऐसे मिक्स करना है ताकि हमारे सारे आटे में अच्छे से मोइन लग जाए और जो घी डाला है वो एक जगह ना रहे। सारे आटे में अच्छे से मोइन लगेगा तभी कचौड़ी अच्छी बनेगी। और मोइन डालने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपके हाथों में ऐसे आटा ले और अच्छे से आटा अगर हाथों में बंध रहा है तो हमारा मोइन ठीक है। हमें इतना ही मोइन डालना है। घी का या तेल का कोई माप नहीं होता। हाथों में अपने हाथ में लड्डू बांध कर देख लीजिए। ऐसे बंध रहा है तो आराम से मोइन काफी है इसमें। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। का मैंने डो लगा दिया है और ये ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। अब हम इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने एक नींबू का रस निकाल लिया है और ये दाल में डाल देंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रस है जो नींबू का सारी दाल में अच्छे से मिल जाना चाहिए। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसमें जो मैं काली मिर्च और लौंग डाली है उसको निकाल भी सकते हैं। उंगलियों से दबाते हुए हम दाल को अच्छे से मस लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से मसल कर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने सूखे धनिए की पत्तियां ली है। ये हरे धनिए की वही पत्तियां हैं जो हम सुखाते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं पर मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं है। मैं सूखा धनिया ही डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिए को भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसके नींबू के आकार की गोलियां बनाएंगे। हमारी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है और अगर ये नहीं हो रही हो तो दो चम्मच इसमें पानी मिला सकते हैं। नींबू के आकार की बॉल बनाएंगे। सेम ये आसानी से बन जाएगी। बनाकर एक प्लेट में रख देंगे। आप चाहे छोटी कचौड़ियां बना रहे हैं तो छोटी बॉल भी बना सकते हैं। इसी तरह हम सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी बॉल्स हमारी बनकर हो चुकी है तैयार और जो हमारा आटा था उसको रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम आटे की गोलियां तोड़ेंगे। आधा आटा लेंगे और इसको गोल गोल कर लेंगे। बराबर आकार की गोलियां कर लेंगे हम। छोटी या बड़ी कितनी भी आकार की ले सकते हैं। हम रोटी की तरह पेड़ा बनाएंगे इसका। बीच में से इसको गोल गोल करेंगे कटोरे की शेप में बिल्कुल। जैसे हम रोटियों की तरह कट रोटी के लिए करते हैं ऐसे ही इसको भी हमें सेम ऐसे ही करना है और अंगूठे उंगली के बीच में रख लेना है। अब हम एक बॉल लेंगे और इसके अंदर रख देंगे और इसको दबाते हुए अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये हमें अच्छे से बंद करनी है ताकि तेल में जाके खुली नहीं चाहिए। और मैं बंद करने का एक अच्छा सा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे हम पानी लगा देंगे ताकि इसकी हालत में भी तेल में खुलेगी नहीं। पानी लगने के बाद अच्छे से बंद हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा आटा है हमारा ऊपर से इसको हम तोड़ लेंगे और इसको हम बिल्कुल गोल कर लेंगे।
चुका है। इसी तरह हम दूसरा आटा लेंगे और उसको भी हम गोल कर लेंगे और इसको भी एक कटोरी की शेप देंगे। कटोरी की शेप देने के बाद जो कचौरी बनती है उसको बनाने में आसानी होती है। अब हम एक बोल फिर से उठाएंगे और इसके बीचों बीच रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि खुलेगी नहीं, और इसी तरह हम सारी कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटा जो इसका निकाल देंगे। अगर आपकी कचौरी तेल में खुलती है तो आप थोड़ा पानी लगा लीजिए, कभी भी नहीं खुलेगी। गोल करने के बाद अब मैं कचौरी का शेप देना बताती हूँ। अब हम इसको हथेली के बीच में ऐसे दबाएंगे, दोनों हथेलियों से दाब देंगे, हल्के हल्के देनी है, ये कहीं से भी नहीं फटेगी। इधर से भी सेम है और इधर से भी। अब हम इसको थोड़े से अंगूठों के दाब देते हुए थोड़ा लंबा कर लेंगे। ये कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप कोई सी शेप देख लें, दोनों सेम है। मैं दूसरी भी दिखाती हूँ बनाकर। हथेलियों से दाब देना है हल्के हल्के हाथों से, बाकी हमें कुछ नहीं करना। हथेली से दाब देते हुए हम थोड़े से अंगूठे से भी इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लेंगे। जितने बड़े आकार में आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी शेप कर सकते हैं, पर हमें धीरे धीरे ही करनी है। ये कोई सी तरफ से भी नहीं खुली है, आप दोनों तरफ देख लीजिए। इसी तरह हम बाकी बची कचौरियों को भी बना लेंगे। सारी कचौड़ियों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तेल को हमें एकदम फुल फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, हल्के मीडियम आंच पर गर्म करना है और एकदम धुआं भी नहीं निकलना चाहिए तेल में। अब हम तेल में एक एक करके कचौड़ियाँ डालेंगे। जितनी तेल में आसानी से आ जाएगी कचौड़ियाँ हम उतनी डालनी है। तेल में डूबनी चाहिए अच्छे से। मैं यहाँ तीन कचौड़ी डाल रही हूँ, तो थोड़ी देर हाथ नहीं लगाना है। थोड़ी देर के बाद हम इसको बदल देंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे ताकि कचौड़ियाँ जो कच्ची ना रहे अच्छे से सीखे। कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और एक बार ट्राई करने में कचौड़ी में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। मैंने इसको 10 मिनट के लिए तो लो फ्लेम पर पकाया है और 2 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर पकाया है ताकि कचौड़ी में अच्छा सा कलर आ चुके। और ये कचौड़ी देखने में एकदम ऐसे नहीं लग रही थी जैसे आटे से बनी है, ये सेम मैदा की तरह ही लग रही है। और पूरी पूरी कचौड़ियाँ कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो टिश्यू पेपर पर ही रह जाए। और हम बाकी कचौरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। कचौरी हम उतनी डालेंगे जितनी तेल में आसानी से आ जाएगी, कभी अच्छी फ्राई होती है। मैं एक बार तीन कचौरियों को भी फ्राई कर रही हूँ। आप ज्यादा तेल डालते हैं तो कचौरी ज्यादा भी डाल सकते हैं। सारी कचौड़ियों को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। मैं इसको खजूर और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ और हरे धनिया की दही की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखने में कितनी शानदार है कोई बता भी नहीं सकता कि गेहूँ के आटे से कचौड़ी घर में बनकर तैयार हुई है। ऐसी शानदार कचौड़ी आप भी आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।